हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एआर में। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, जैसा कि आज 11 सितंबर 2022 है, तो आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है स्टडी से रिलेटेड वीडियो, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो एंड टैक्स फैक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो आपको साइड में स्क्रीन दिखने वाली है, जिसमें आप साइड में स्क्रीन देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारा, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। दोस्तों, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया है। राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चार्ल्स तृतीय। राइट आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फ्यूचर इंडिया री लिस्ट 2022 की सूची में से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। फ्यूचर इंडिया लिस्ट में से 2022 में सबसे अमीर आदमी व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम अडानी। सभी को पता है दोस्तों कि अभी गौतम अडानी वर्ल्ड में 3 नंबर पर चल रहे हैं और इंडिया में नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हर वर्ष 11 सितंबर को पेटियट डे किस देश में मनाया जाता है, कौन से देश में मनाया जाता है। दोस्तों, पेटियट डे तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका, यूरोप, रूस, फ्रांस। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों, कौन से अमेरिका खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एरेन फिंच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। राइट आंसर दोस्तों हमारा न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस देश में यूरोपीय देश के लिए $2 अरब रकम की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। $2 अरब की दोस्तों सैन्य सहायता की है, मतलब सेनाओं को देने का होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर दोस्तों अमरीकी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमरीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एजेंटा ने शिक्षक दिवस सितंबर डैश किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आपको एजेंटा में बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 11 सितंबर को, 11 सितंबर को वहां पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बड़े के रखवाब के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, आप राइट आंसर हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन को किए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपने वीडियो को यदि पूरा देखा होगा तो आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसे अटेंड कर लेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।